संजय पोपली दे वकील ने मीडिया अगे आके दिते अहम बयान। परिवार नू पोस्टमार्टम कराण विच नहीं कोई एतराज। संजय पोपली ने पुत दे संस्कार ते जान लई मंगी इजाजत। संजय पोपली दे वकील मतविंदर सिंह ने मीडिया अगे आके कुछ अहम बयान दिते ने। दस दिने आ कि जिस विच उन्होंने पहली गल तो यह दसी है कि परिवार को जोड़ा है पोस्टमार्टम कराने विच कोई भी इतराज नहीं है। हालांकि पहला ये चर्चा की जा रही थी कि परिवार मृतक का पोस्टमार्टम सैक्टर 16 के हस्पताल की बजाय PGI तो करवाना चाहता है, पर उन्होंने वकील ने स्पष्ट कर दिता है कि परिवार वालों किसी भी पक्ष तो अजिही कोई मंग नहीं की गई। हालांकि उसने ये भी दसिया है कि अजे तक पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज नहीं किए है ते ना ही कोई पूछगिछ की गई है। नाल ही नाल दसिया गया है कि संजय पोपली नू 2 दिन तो सैक्टर 32 के हस्पताल विच रखा गया है। दस दिने कि हजे पुलिस वालों कोई भी परिवार के बयान इस करके नहीं ले गए क्योंकि वकील का कहना है कि परिवार हजे बयान देने लई सही हालत विच नहीं है, कुछ भी इदा दा वह नहीं कहना चाहते हजे कैमरे अगे आ गए या फिर पुलिस नाल बयान नहीं देना चाहते जिस तो कोई प्रॉब्लम होवे। दस दिने कि उस तो बाद संजय पोपली नू मृतक कार्तिक पोपली दी अंतिम रस्मा विच शामिल होने लई अदालत विच बेनती करनगे। उनका कहना है कि परिवार जिहड़ा है हजे भी सदमे विच है, कुछ भी बोलन तो असमर्थ है। उन्होंने दसिया कि पुलिस जिस तरीके दे नाल कार्रवाई कर रही है संस्कारां दा होना अज संभव नहीं होवेगा। भ्रिष्टाचार मामले विच पंजाब बिजनेस वालों गिरफ्तार किए गए संजय पोपली नू स्थानक अदालत दे न्यायती हिरासत विच भेज दिता गया। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक पोपली ने अपने पुत्र कार्तिक पोपली दे संस्कार विच आउण लई कोर्ट विच जिहड़ी पटीशन है दायर की है। तुहानू दस दिंदे आ हालांकि इस पटीशन ते अजे कोई फैसला तो नहीं आया है क्योंकि हजे संस्कार कदों होने है इहदा कुछ नहीं पता चलिया, तो जिस दे चलदिआं होया कोई भी इस गल का फैसला नहीं होया कि संजय पोपली नू जिहड़ा है संस्कारां दे टाइम भेजा जाएगा उत्थे या नहीं। Today we intend to file an application before the duty magistrate. Camera pichhe le bhai, seeking permission, seeking directions to the jail superintendent or before to the police official that Sanjay Pokhri should be taken to all the places wherever he is required in the present for the performance of the last rites of his son. This is the application that we intend to file today. So in the coming days we will also be filing the bail application. Kithe ne ji hun Pokhri sahab kithe ne? Kis bare? पोस्टमार्टम बारे जो अपनी कार्रवाई करेंगे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। नहीं ये कोई है कि 16 का कराने सानू पूछे भी नहीं ते सानू कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। कोई डॉक्टर डॉक्टर का किसी का पुलिस का कोई रास्ता नहीं हुआ कि पोस्टमार्टम करना। मेरे नाल नहीं रास्ता होया, साडे घर दे नाल पता नहीं होया कि नहीं, पर मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अगर होया भी होएगा ते हैव नो ऑब्जेक्शन। नहीं विच सर खबर आ रही सी कि 16 या PGI कराना चाहता नहीं साडे। देखो जड़ी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ना प्रॉपर्ली होना चाहिए था। नहीं, नहीं, पर सानू कोई इतराज नहीं किथे भी होवे, बट फैमिली सेइंग कि ही वाज शूट डेड एंड पुलिस इज सेइंग इट इज कमिशन फाइल। पर इधर देखो सामने द वर्जन ऑफ द फैमिली इज ऑलरेडी बिफोर यू। यस, एज फार एज द परफॉर्मेंस ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज कंसर्न वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, नो बट यू हैव नो ऑब्जेक्शन बट फैमिली इज रेडी टू कन। नो नो, दे आर रेडी, दे हैव नॉट ऑब्जेक्टेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। I do not know why if the postmortem examination is not being done, then I do not know why it is not being done. Consent? बट ये फैमिली कोई कंप्लेंट दे रही है कि हमारे जो बेटी जो डेथ है वो पुलिस की गोली। वो वर्षन जो है वो अब वो संजय पोपली जो है वो ही वाज प्रेजेंट, ही विल बी गेटिंग, दे आर इन शॉक एट दिस स्टेज, दे आर नॉट इन पोजीशन टू गिव एनी डिटेल्स। संजय पोपली तो बयान जड़े हैगे असी हजे ना ही रहे दर्ज किए पुलिस वाले ने ते ना ही ये पोजीशन च ने इस टाइम, दे आर नॉट इन अ फिट कंडीशन टू गिव एनी स्टेटमेंट, दे आर इन टोटल शॉक। सर संस्कार आज हो पाएगा या नहीं, लेट अस सी, ये मेरा ख्याल नहीं है। संजय पोपली किथे ने हुन? संजय पोपली जड़े जड़ा DMCA सेक्टर 32 है जैसर माय इंफॉर्मेशन। ओके ओके, तो उन्होंने जुडिशियल कल हो गया सी ऑर्डर? जुडिशियल हो गया। ओके, आज मे बी फिर उन्होंने जुडिशियल रिमांड भेजता सीका, बट ही वाज सेंट टू GMCH फॉर 32 फॉर 2 डेज टू डेज टू डेज सो दैट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड।
and also so that he is put in a fit condition so that he can be taken to the judicial ward. Okay. To the model jail. Okay. यहाँ जैसे रोपड़ जेल जाना है. जी जी. सर एक हिंदी में बता दीजिए सर कि आज पोस्टमार्टम. सर सामने देखिए. सर सामने है सर सामने. देखिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद ये बॉडी हैंड ओवर होगी सो इट मे टेक टाइम वी डू नॉट नो हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक हमें पता नहीं है कि इस समय हमें पता नहीं कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ने कितना समय लेना है कितना पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद उसका रिपोर्ट भी बनती है वो कितनी रिपोर्ट कब तक बनेगी अभी नहीं पता सो उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज होती है दे हैंड ओवर दी दी बॉडी टू दी फैमिली मेंबर्स ठीक है अभी अभी फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा नहीं नहीं ऑब्जेक्शन हमें कोई नहीं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एग्जाम वो हो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं वो मैनू नहीं पता मैनू ये पता है कि सानू पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से कोई सवेर तो फिर लेट हो सानू नहीं पता परिवार की तरफ से ये मांग की गई है कि 16 में ना हो किसी में इस तरह की मेरे मेरे नॉलेज में ऐसी डिमांड कोई नहीं सर पुलिस दे नाल करदियां दा जां तुहाडी कोई गलबात हुई है नहीं मेरी कोई गलबात नहीं हुई पुलिस नाल गलबात भी करदियां दी नहीं हुई क्योंकि घर दे जड़े है वो पोजीशन च नहीं है गल कर पोस्टमार्टम ली कंसेंट मंगया हले तक ते सर पोपली जी किथे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਲੈ ਗਏ ਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਹੀ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ एक बार विजिट जरूर करो आशु दी हट्टी ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।